मसाला चटनी को बनाने के लिए मैंने यहाँ 5 छोटे टमाटर, 1 कटोरी मीठे अंगूर और आधी कटोरी पीन खजूर लिया है। यहाँ पे मैं छोटे टमाटर का यूज किया है क्योंकि छोटे टमाटर में खट्टापन थोड़ी से ज़्यादा रहता है। और अंगूर को यहाँ पे अच्छे से धो के वाइन से निकाल के लिया है और जो ख़राब है उसको मैं साइड कर दिया है। और खजूर को ऐसे बीजों को हटा के लेंगे, ये बीज बहुत आसानी से हट जाता है। ऐसे कोई भी चाकू की मदद से उसको होल करके उसको बीजों हटा के उसे रफली काट के लिया है। ऐसे ही मैं सारे खजूर को बीजों को हटा के लेंगे ताकि जब हम लोग चटनी खाएं तब मुंह में ये बीजे ना आए और चटनी में बहुत ही बढ़िया थिकनेस आएगी। आप एक बार ज़रूर बनाएगा इस टाइप से। एक कढ़ाई को गर्म करके और उसमें 3 से 4 स्पून तेल डालेंगे, आधा छोटा चम्मच सरसों, आधा छोटा चम्मच सौंफ, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच कलौंची, थोड़ी सी हींग, 2 सूखी लाल मिर्चें और थोड़ी सी कड़ी पत्ता को डाल के फ्राई करेंगे। जब तक धीमी धीमी खुशबू आने लगे तब यहाँ पे हम लोग डालेंगे 1/2 इंच अदरक के टुकड़े और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ और 1 छोटी प्याज को ऐसे कद्दूकस करके लिया है। ऐसे करने से हमारे चटनी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर और खुशबूदार बनेगी। ये चटनी में बहुत ही सी बढ़िया फ्लेवर भी आएगी। अदरक लहसुन और प्याज के कच्चापन दूर होने तक भुनेंगे। अब टमाटर को ऐड करेंगे, अंगूर को ऐड करेंगे, कटी हुई खजूर को भी ऐड कर देंगे। अब कुछ पाउडर मसाला ऐड करेंगे। पाउडर मसाले में 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ी सी नमक डाल के अच्छे से भुनेंगे जब तक हमारे मसाले अंगूर खजूर और टमाटर के ऊपर कोट ना हो जाए तब तक भुनेंगे। ये लीजिए, थोड़ी ही देर में हमारे सारे मसाले अच्छे से कोट हो गया है। अब इसमें हम लोग पानी डालेंगे। ये चटनी बनाने ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस कुछ ही मिनटों में ये चटनी फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। यह चटनी थोड़ी सी गाढ़ी रहने से ही अच्छा लगता है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी लगता है। अब अंगूर और खजूर के मीठापन को देखते हुए यहाँ पे गुड़ को डालेंगे। आप चाहिए तो चीनी का भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ गुड़ में लिया है। गुड़ डालने से यहाँ पे कलर में बहुत ही बढ़िया लगती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और अच्छे से मिला देंगे। ये लीजिए, गुड़ डालने से बहुत ही बढ़िया कलर भी आ गया है। मैंने यहाँ 5 से 6 मिनट ही उसे पकाया है। ये देखिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार सी मीठी अंगूर की चटनी बनके तैयार है। चटनी को रोटी, चपाती, पराठा, चावल के साथ सर्व कर सकते हो साइड डिश के तौर पे। ये लीजिए, तो बनाए, खाए और खिलाए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के